वो नात पढ़ने का जो ठहरा हुआ अंदाज है ना ये बड़े अरसे सुना हमने माशा माशाला ताला। जनाब असल जमील लठोर भाई हमारे साथ होंगे जमील भाई मुफ्ती हाफिज मुफ्ती हाफिज मोहम्मद जुबैर भाई असल हजूर खैरियत है इसमें एक नाम की कमी है डॉक्टर इनशा तला लग जाएगा डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद जुबैर खूबसूरत नाम माशा तारी कसरत ने इधर दी है माशा हाँ, माशाल्लाह तब मुफ्ती वसीम बंदगी वसीम भाई खैरियत से हैं नासिर उल्ताफ़ हमारे साथ हैं और कुछ देर में हमारे साथ हसान होंगे इन और सारे बरनी भाई अस्सलाम वालेकुम हजू नाथ कैसी लगी हाँ और बड़ी ठहरी हुई हैं बहुत जबरदस्त वो जो कल्चर है ना हमारे ताने खींचने का एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा होगा लेकिन माशाल्लाह माशाला सर क्या बात है खुश रहिए सलामत रहिए आ, अगर जुबैर भाई आपसे इब्तदा करूँ आज दो बातें जो है हम करेंगे सईदा पे बात करेंगे उनकी आज वफात का दिन है और फिर बदर जो है उसकी कामयाबी का दिन है दोनों बातें करेंगे लेकिन मैं जाती तौर पर अगर आप इजाज़त दें तो एक हल्का सा हिस्सा डालूँ एक तलब इल की हैसियत से डॉक्टर साहब जो इल्मियत आती है किसी भी शख्स से वो अपनी जगह है वो बड़ी बाक़दर है लेकिन जो किरदार आता है उस इल्म के पीछे मुझे भाँ लगता भाँ है कि वो उससे भी ज्यादा अहम होता है जब आलिम जो है वो किरदार हो तो उसके इल्म पे फिर शक नहीं रह जाता तो वो आयतें अल्लाह ने भेजी वो अल्लाह का अपना जर्फ है और अल्लाह का अपना एक काम है कि वो अल्लाह क्या करे लेकिन जब आप जर्फ देखते हैं ना तो बस एक ही बात जो वो उम्मे सलमा ने फरमाई थी ना सैदा ने कि उम्र छोटी है इसलिए बकरी आटा खा जाती है लेकिन वो नाता रखती है इस बात को मुझे लगता है हम लोगों ने ना बड़ा हल्का लिया है सैदा की ज़िंदगी में वो तहमत वाला वाक़ याद करें बुखारी शरीफ का सारा उसमें आपने कहीं भी घबराहट का इज़हार नहीं किया वो तमाम वाक्य में हालांकि अकेली पीछे रह गई थी लेकिन घबराहट का लिहाज नहीं है फिर मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा जो मैं लफ्ज़ पता नहीं कौन सा इस्तेमाल करूँ फैसिनेट करूँगा तो शायद वो ज़रा हल्का लफ्ज़ हो जाता है बहुत ही मुतासर करती है बात वो अपनी खादमा के साथ हाजत के लिए पहाड़ी पर जा रही तो उन्होंने उस शख्स का जिक्र किया जो कि तहमत लगाने में बहुत अव्वल अव्वल था तो आपने पता क्या कहा आपने कहा वो बदरी है तुम उसका क्यों जिक्र करती हो तुम उसकी बदगुमानी ना करो वो बता रही है आपकी उम्र छोटी थी लेकिन आपका जो ज़रफ़ और इल्म का तज् था वो कितना बुलंद था कि जब रसुल पाक अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा कि आयतें आ गईं, तो वालदा ने क्या कहा कहा जाके रसुल पाक अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कितनी खुशखबरी दी है जुमला सैदा का खुदा की कसम चीर के रख देता है मैं उसका शिक्र क्यों ना अदा करूँ जिसने ये मेरे लिए कलाम भेजा है ये जो उमर की कैद है ये मुझे लगता है इल्म की कैद से बिल्कुल आजाद हो जाती है भाई जब फजीलत बयान करेंगे अम्मा सईदा की मुझे लगता है सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन हिकमत जो भी कह लें वो हदीस है और वो उन तलेब इलमो के लिए रोशनी जो कि जाके उनसे पूछा करते थे और फिर हजरत अब्दुल्ल ने उमर जैसे हस्ती की वो जो का जनाजे पर रोने वाली बात थी उसके ऊपर आपने उसकी दुरुस्तगी फरमा दी ये जो फहम और अदराक है इस पर तोजो कीजिएगा बसमिल्लामसली रसूल करीम्म अल्लाह ताला आपको खैर अता फरमाए बिलाल भाई आपने उम्मुल उम्रमोमिन हमारी प्यारी अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तह की फजीलत के हवाले से वाक़ इफ को जिसमें उनके ऊपर नौजुबिल्लाज़ाम और तहमत लगाई गई थी आपने उसका ख़ास तौर पर इसलिए जिक्र किया कि मैं समझता हूँ इससे बढ़ कर और कोई फजीलत नहीं हो सकती कि अल्लाह ने उनकी बारात में डेढ़ रुकू रुकू निकाल दिया यानी हैरत अंगेज़ बात है अगर हम अपने आम हालात के अंदर देखें और मैं आपको आ ये के ये कहूँ कि फ़लाँ सदर फ़लाँ मुलक के बादशाह की मजलिस में आपका नाम ले करके जिक्र हो रहा था लेटर ख़त मैसेज में नाम ले करके कहा गया जब पाँच मज्ज़ अफराद के अंदर आपका नाम लेकर के जिक्र तो आपको और फितरी तौर पर खुशी होती है खुद उमिन हत्याशा से बुखारी की रिवायत के अंदर फरमाती है मैं सोचती थी कि जब ये तहमत और ये इल्ज़ाम का मामला आया नवी सल्लाम को कोई इशारा मिल जाएगा मेरी बारात पर ख्वाब में कुछ दिखा दिया जाएगा और कुछ इशारा हो जाएगा मनाम की कोई कैफियत में आ, बात कोई नींद की कैफियत में कोई बात आ जाए मुझे ये नहीं अंदाजा था कि अल्लाह बात, बात दे यानी आप अंदाजा लगाइए जिस वक्त हजरत मरियम का मामला तो बच्चा गवाही दे रहा है और कहीं पर कहा जा रहा है चार गवाह लेकर आओ कहीं पर कहा जा रहा है वशिदिन खातून का मकान बुलंद है की अल्लाह उनकी गवाही दे रहा और फिर आपको एक और अजीब बात बताता हूँ बिलाल भाई आप हैरान होंगे खसाए से कुबरा में अमामा सूती रहमत ने इन अट्ठारह आयात सूर नूर के बारे में ये लिखा कि अलामा जमकशरी ने लिखा है कि अल्लाह ने इन आयात में इल्ज़ाम लगाने वाले उन मुनाफिकी के बारे में वो गुस्सा वो गैज़ब खुदाबंदी का लबोलहजा यहाँ पर आया पूरा कुरान तोहीद पर बयान करता है तोहीद को बयान करता है लेकिन असनाम परस्ती और बुद्ध परस्ती में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो गुस्सा और वो गैज़ और गज़ब नहीं दिखाया।, दिखाया के बकौल जो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिखाया और जो अल्फाज बयान फरमाए वजह क्या थी यहां ज़ौजतुर रसूल की तहारत का बरात का पाकिजगी का इस्मत का मामला था जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं बयान किया हम जब शाजी, तो शाजी यहाँ ये भी कहें कि यहाँ पे रसूल पाक पेल्लम की भी इसमत का सवाल ही है ना ये बात तो यह है जजाक देखिये मैं आपको बिलाल भाई एक बात कहता हूँ अगर माशरे में या कहीं पर यह बात कही जाए बिलाल भाई की अहलिया में ये खराबी है तो, तो वो एहलिया तो की खराबी बात में बिलाल भाई की पहले है तो हम तो ये कहते हैं कि ये तो नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला अलैहि वसल्लम के ऊपर तोहमत और फिर आप देखिए कुरान करीम की ये जो आयात नाजन हुई इनके साथ जो खास तौर पर हमें नुकता देखने का है वो ये कि क्यामत तक के लिए इनकी तिलावत को भी वो कर दिया इसी की बुनियाद पर आज हम कहते हैं अफीफा हैं ताहिरा हैं हुमैरा हैं पाकीज़ा हैं जकिया हैं मुजकिया हैं अच्छा इनमें से एक एक लफ्ज़ पीछे हिस्ट्री रखती है ये जो हमने हबीबा का लफ्ज कहा ना तो हम कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके हबीबों लेकिन तो है। है। हबीब व महबूब लेकिन हजरत आयशा हबीबो रसूल है हबीब है महबूब आलमीन है डॉक्टर साहब जो किरदार है ना इसमें किरदार में एक और रोशनी का पहलू देखिए कि आप मैं आपके खिलाफ बात कर दूं मैं आपके तहमत लगा दूं खुदा ना खासा आप जितने मर्जी मुझ तक अप्रोच कर सके आपके दिल में खटक आएगी कि यार ये इसने क्या किया है खटक आएगी ना ये खटक इस सारी तोहमत पे अम्मा आयशा की कहीं नज़र नहीं आती ये किरदार जो है ना ये बिल्कुल अकेला है अलग है और एक अचंबा है बिल्कुल इस पर रोशनी व व अलैका या रसूल अल्लाह अला आलिक न या हबीब अल्लाह सबसे पहले तो आज के दिन मैं उस हस्ती को सलाम पेश करूँगा सलाम अक़ीदत पेश करूँगा जो अफकान्नास भी है आलमानन्नास भी है अहसनस भी है वजह उन्नास भी है अफसकुलनास भी है और अब लगुन्नास भी है वाह और फिर मैं अगर बात करूँ तो वो तयबा भी है ताहिरा भी है आबिदा भी है जाहिदा भी हैं आफीफा भी हैं आतिका भी हैं अमीना भी हैं, हैंदीक भी हैं और सबसे बढ़कर ये के महबूबा महबूब रबीन है यानी सारी कायनात हुजूर को महबूब रखती है और आयशा और, और हदीस मुबारक सही मुस्लिम से आवाज़ आती है फ़ातिमा जहरा अल्लाह के केफेल सरकार ने पूरी उम्मत को पैगाम दिया आपने फरमाया बोनै तो अलस्ती हिब्बक मा मा मेरी बेटी ये बताओ कि क्या तुम उससे महब्बत नहीं करती जिससे तुम्हारे बाबा महब्बत करते हैं आपने वालक भला क्यों नहीं यार रसोल्ला मैं महब्बत करती हूँ आप हिब्बी हाजी ही अगर तुम ये कहती हो कि मैं उससे महब्बत करती हूँ जिससे बाबा जान महबत करते हैं तो ए फातिमा तुम आयशा सिद्दीक़ा से महब्बत करो और हदीस मुबारक में आया कि ए मेरी बेटी तुम्हारे वालिद को रब्बे काबा की कसम आयशा सिद्दीक़ा बहुत ज़्यादा महबूब हैं तो मैं कहता हूँ कि वह महबूब आए महबूब रबालमीन है फिर उनकी सीरत की बात करें तो उनमें जहानत भी है जकावत भी है फ़तानत भी है मतानत भी है इबादत भी है रियाजत भी है अदालत भी है अमानत भी है सियासत तजारत का पहलू भी मौजूद है माशरत का पहलू भी मौजूद है हकूक अजदवाजियत की बेहतरीन एग्ज़ाम्पल और मिसालें भी मौजूद हैं और मैं ये कहूँगा कि अम्मा आयशा चाहे वह हसन सीरत हो या यासन सूरत हो हर चीज़ में यद तोला नज़र आती है और मैं कहूँगा कि आलम नस्मानियत क़यामत तक अगर किसी को आइडियल बनाकर रहनुमाई हासिल करना चाहती हैं तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा से रहनुमाई हासिल करें क्या रह और मैं आपकी उस बात की तरफ भी आता हूँ देखिए हकाा करीम सलातुबदीम के हरम मुकदस पर जब तोहमत लगाई गई तो आयशा सदीक़ी सलाम्लि ज़ाहिर एक फितरी तकाजा था आप रोती रहीं अल्लाह तबारक बताने क्या कमाल मेहरबानी फरमायी हजूर अक्रमल्ला हैकरम सल्लाम ने हजरत अबू बकर के तो घर का मामला था आपने फरमाया कि ए उमर बताओ तुम्हारा क्या गुमान है हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह फरमाया कि या रसूल अल्लाह हमने ये देखा है कि जब आप चलते हैं तो जमीन पर आपका साया नहीं होता कहीं उन पर हमारे कदम ना पड़ जाए तो जिस रब को आपके साया साया नहीं बनाया कि उसकी बेअदबी ना हो तो या रसूल आपके हरम आपके घर के अंदर अल्लाह कब चाहेगा कि आपके घर के अंदर कोई ऐसी आ जाए और कोई कमी और कजी आ जाए फिर क्या आपने हजरत गनी को बुलाया उस्मान क्या तुम क्या कहते हो हजरत उस्मान ने कहा या रसूल अल्लाह हमने आपको देखा है कि मक्खी न जगह पर बैठती है हमने आपको देखा कि मक्खी कभी आपके बदन पर हमने बैठते हुए नहीं देखी जिस रब को यह गवारा नहीं कि आपके जिसमे अतहर पर मक्खी बैठे वो आपके घर के अंदर कोई नापाक और पली चीज को आने देगा फिर आपने हजरत अली से पूछा अली तुम क्या कहते हो हजरत अली करीम ने फरमाया करम्ल वजारसूल मैंने देखा कि आप नमाज पढ़ाने जा रहे हैं आपकी नालेन पर अगर पलीदी लगी हुई है अल्लाह जब्रील को भेजता है मेरे महबूब से कहो कि ये नालेन उतार दें साफ कर दें तो जिस रब को आपके नाल की पलीदी अच्छी नहीं लगती वो आपके घर के अंदर ऐसी नापाक चीज कैसे आने देगा और जिस रब ने खुद आका करीम आल सलातो व तसीम के ख्वाब में आकर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को बतौर दुल्हन पेश किया